हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने दोस्तों पिछले एक साल में मतलब मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। जी हाँ दोस्तों, 15 गुना यहाँ पर स्टॉक का प्राइस हो चुका है पिछले एक साल से। अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्टॉक चार्ट पे दोस्तों, ये 27 मार्च को 49 रुपीज का ये शेयर था और आज आप देखेंगे तो करीब करीब 750 रुपये का ये शेयर है। तो यहाँ से 15 गुना हो चुका है एक साल में ये शेयर। तो इसके पीछे क्या रीजन है दोस्तों, ये आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। डिटेल पूरी इसके बिजनेस मॉडल पे देने वाला हूँ। आप कह सकते हैं दोस्तों, एक तरीके से डिजिटल युग की कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल युग मतलब कंपनी AI बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है अपने क्लाइंट्स को। IT सेक्टर को बिलोंग करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है और ग्लोबल इसके फुटप्रिंट्स दोस्तों बहुत ही शानदार है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन, डिजिटल इनोवेशन, ये बिजनेस दोस्तों फ्यूचर का बिजनेस है जिसमें ये कंपनी काम करती है। तो कंपनी के प्रॉस्पेक्ट ग्रोथ के बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं फ्यूचर में। तो कि कौन सी कंपनी है दोस्तों, और इसने रिसेंटली देखिए अच्छे खासे डील्स विन किए हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में फंडामेंटल्स की बात करेंगे और टेक्निकल चार्ट पे फ्रेश बाइंग लेवल की बात करेंगे। अगर स्टिल हमको इसमें फ्रेश बाय करना है तो यहाँ पर क्या बाइंग लेवल हो सकते हैं और क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, सारी बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट दोस्तों हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो कंपनी का नाम है दोस्तों इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना। जी हाँ दोस्तों, आप इसका नाम आजकल सुन रहे होंगे। बहुत ही जबरदस्त ये कंपनी यहाँ पर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है और कंपनी ने जबरदस्त यहाँ पर डील्स विन की है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको यहाँ पर न्यूज पे लेके चलूँ तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना रैलीज 20% इन 2 डेज। 2 दिन में 20% रैली कर चुका है ये शेयर आफ्टर बैगिंग डील फ्रॉम कॉन्सेंट्रा बैंक। तो ये एक कैनेडियन बैंक है दोस्तों, जिसका इसको जो है डील मिली है वहां पर, जो उनका डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसको यहाँ पर पूरा करने का। चलिए पूरा रिपोर्ट में अच्छे तरह से इसको जान लेते हैं। देखिए कॉन्सेंट्रा बैंक है सेलेक्टेड इंटेलेक्ट क्लाउड नेटिव, तो इसने इंटेलेक्ट को क्लाउड नेटिव को सेलेक्ट किया है इनके डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को टू पावर इट्स एक्साइटिंग न्यू डिजिटल बैंकिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पर इंटेलेक्ट डिजाइन को दोस्तों ये डील मिली है। कंसेंट्रा का विजन क्या है, टू बिकम द लीडिंग मिड मार्केट डिजिटल बैंक इन द कंट्री प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर बिजनेस फिनटेक्स एंड क्रेडिट यूनियंस, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना सेड इन प्रेस रिलीज। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है दोस्तों, कैनेडियन बैंक है ये, उनका विजन है पूरा मतलब एक लीडिंग मिड मार्केट डिजिटल बैंक बनने का, जहाँ पर ये सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे कंज्यूमर्स को, बिजनेसेस को, फिनटेक्स को, क्रेडिट यूनियंस को। तो ये गजब की दोस्तों डील इन्होंने क्रैक की है जिसका फायदा इनको फ्यूचर में होने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और क्या लिखा हुआ है जो हमको यहाँ पर पढ़ना चाहिए उसके बारे में। कॉन्सेंट्रा न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म विल अंडरपिन इट्स वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ बीइंग अ सीमलेस हेल्पफुल डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस फॉर इट्स कस्टमर व्हाइल ऑफरिंग ब्रॉडर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर कैनेडा क्रेडिट यूनियंस, इंटेलेक्ट डिजाइन एडेड। तो ये दोस्तों डील से फायदा क्या होगा, देखिए इंटेलेक्ट डिजाइन को इस डील के बाद दोस्तों फायदा ये होने वाला है कि इनका जो एक तो कैनेडा के साथ ये कैनेडा बैंक है, कैनेडियन बैंक है, उसके साथ ये डील क्रैक हुई है। तो ऑलरेडी इस डील के लिए काफ़ी ज़्यादा जो बड़े बड़े फर्म्स थे, बड़े बड़े डिजिटल कंपनीज थी, टेक्नोलॉजी सर्विसिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग कंपनीज थी, लाइन में लगी हुई थी 30 के आसपास, और उसमें से दोस्तों किसको मिला है ये डील, इंटेलेक्ट डिजाइन को। तो ये बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है। अब कैनेडा में दोस्तों इसके फुटप्रिंट हो चुके हैं और यहाँ से अगर आप समझ सकते हैं कि इसका एक्सपोजर अब काफ़ी बढ़ चुका है। हालांकि ये ऑलरेडी विदेशों में जो है सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी डील है, एक बहुत बड़ा बैंक है दोस्तों ये कनाडा का, उसमें यहाँ पर डील मिलना इसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसमें फ्यूचर में इसमें अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा यहाँ पर हमको। और इनके अरुण जैन हैं CEO MD है इस कंपनी के, उन्होंने अभी दोस्तों हाल ही में इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि मतलब टेक्नोलॉजी इनोवेशन, डिजिटल इनोवेशन आने वाला फ्यूचर है और इस लीग में ये कंपनी काम कर रही है। और लास्ट 9 मंथ में दोस्तों इन्होंने 9 डील्स क्रैक किए। जी हाँ दोस्तों, 9 डील्स, आप समझ सकते हैं इसका फायदा इनको फ्यूचर में कितना होगा। उन्होंने साफ साफ बोला है कि दोस्तों इनका EPS अराउंड करीब 24 के आसपास जो चल रहा है वो बढ़ के 30 जाने वाला है, ऐसी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, जो इनकी अर्निंग ग्रोथ है यहाँ से क्लियरली विजिबल है। तो ये डील है दोस्तों एक जो इन्होंने रिसेंटली विन की है। और अगर मैं दूसरी न्यूज़ पे आपको ले चलूँ तो ये एक न्यूज़ है जहाँ पर दोस्तों लास्ट वीक की ये न्यूज़ है। कंपनी हैड अनाउंस्ड दैट इंटेलेक्ट ग्लोबल ग्लोबल ट्रांजेक्शन बैंकिंग द ट्रांजेक्शन बैंकिंग स्पेशलिस्ट फ्रॉम इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना वॉज रैंक्ड नंबर 1 इन द वर्ल्ड फॉर ट्रांजेक्शन बैंकिंग बाय IBS इंटेलिजेंस। तो IBS इंटेलिजेंस ने दोस्तों यहाँ पर नंबर 1 रैंक दिए इस कंपनी को वर्ल्ड में। तो ये एक अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, नंबर 1 रैंक हासिल करना किसी ऐसी कंपनी का जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
इतनी बड़ी बड़ी जायंट्स, टेक जायंट्स होने के बावजूद इस कंपनी को नंबर वन मिलना रैंक बहुत बड़ी दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और मैं बात कर रहा था इसकी एआई की, तो एआई से रिलेटेड देखिए यहाँ पर आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं। इन सेपरेट डेवलपमेंट द कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ मैजिक आधार एंड एआई पावर्ड आधार प्रोसेसिंग सोल्यूशन टू आइडेंटिफाई एक्सट्रैक्ट वैलिडेट एंड मास्क आधार डिटेल। तो एआई सॉल्यूशन भी दोस्तों एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर एक मैजिक आधार नाम से एक सेपरेट डेवलपमेंट हुआ है जिसको अभी हाल ही में अनाउंस किया है, लॉन्च किया है, जिसमें ये जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगी, जो है आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे और आधार डिटेल्स को मास्क करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक न्यूज़ है इसके लिए। और अरुण जैन जी ने साफ साफ बोला कि दोस्तों ये जो ये जितने भी डील्स व्रेन हुई है या जितने भी डील्स इन्होंने क्रैक किया, ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इनको जो है बेनिफिट देने वाले हैं। तो ये है न्यूज़। अब चलिए फंडामेंटल पे चलते हैं। बिजनेस मॉडल हमने समझ लिया दोस्तों, बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है इसका और फ्यूचर में ये बिजनेस ही चलने वाला है, आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी है। सोल्यूशन चाहे क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हो, चाहे यू नो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सोल्यूशंस हो, एआई बेस्ड सर्विसेज हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विसेज हो, तो ऐसी कंपनियां डेफिनेटली ग्रो करने वाली है फ्यूचर में। इसीलिए आपको यहां पर इतनी रैली देखने को मिल रही है इस शेयर में और फ्यूचर में दोस्तों ये कंटिन्यू रह सकती है। यहां से इनकी जो है ग्रोइंग, जो अर्निंग ग्रोथ है वो यहां से विजिबल नजर आ रही है। फंडामेंटल्स आप देखिए, अभी करीब 9,800 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 44 है, इंडस्ट्री का पी 21 है। इंडस्ट्री की पी से भी थोड़ी महंगी है, वैल्यूएशंस पे ये अवेलेबल है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं और जो मार्केट है इसको हाई पी पे यू नो हाई पी दे रहा है क्योंकि इसका बिजनेस काफ़ी ग्रोइंग है। आरओसी अभी आपको कम देखने को मिलेगा, आरओई कम देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों इनके पास जिस इन डील से पैसा आता जाएगा, ऑपरेटिंग जो है इनके प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो जो इनके पास कैपिटल होगी, जो कैपिटल होगी दोस्तों ये वापस से रीडिप्लॉय करेंगे, तो इनकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल होगी दोस्तों मेरे ख्याल से डेफिनेटली आगे बढ़नी चाहिए। और सेम गोज विद दी आरओई। डेट देखिए, कंपनी में डेट फ्री कंपनी है, आप देखेंगे प्लेजिंग यहाँ पर जीरो है, तो बहुत ही शानदार यहाँ पर कंपनी के रिटर्न रेशोज है। अगर प्रॉफिट लॉस देखेंगे आप ईयर ऑन ईयर, देखिए 609 करोड़ से बढ़ के 811, 914, 1087, 1450, फिर यहाँ पर थोड़ा कम हुआ, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ में फिर से यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले 2015-16-17 में नेगेटिव में थे, लेकिन अब यहाँ पर कंपनी पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुकी है और हाईएस्ट एवर अब इन्होंने ट्रेलिंग 12 मंथ्स के 223 करोड़ के नेट प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। तो अब जो रिजल्ट आएंगे दोस्तों इनके क्वार्टर फोर के, वो डेफिनेटली अच्छे आने वाले हैं फॉर श्योर। तो यहाँ पर देखिए, हमने प्रॉफिट लॉस देख लिया, इसका बैलेंस शीट हम देखेंगे, तो बैलेंस शीट आप देखेंगे रिजर्व्स कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं और डेट बहुत ही कम हो चुका है, मतलब नेट डेट फ्री कंपनी है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इनकी। और इनके फिक्स्ड एसेट्स जो है वो भी बढ़ते हुए जा रहे हैं, दिस इज रियली अ गुड जॉब। तो फंडामेंटल्स दोस्तों बहुत ही शानदार है कंपनी के। और अगर इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो देखिए, प्रमोटर्स के पास 31.30 के स्टेक है, FIS ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, DIS ने थोड़ी कम की है, पब्लिक के पास 39.13 स्टेक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर डिसेंट नज़र आ रहा है, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नज़र आ रही है दोस्तों। और आगे जो इसकी अर्निंग विजिबिलिटी है वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो ये है देखिए, बिजनेस मॉडल से रिलेटेड बात करी मैंने आपको, यहाँ पर डील्स जो इनने विन करी है वो बात करी, और इनके जो अरुण जैन है CEO MD, उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है कंपनी के बारे में, आप भी उसको जाके ज़रूर देख सकते हैं। आई थिंक शायद ET Now पे उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। चलिए अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे दोस्तों। टेक्निकल चार्ट पे अगर हमको फ्रेश बाइंग करनी है तो कहाँ करनी है? सबसे पहले दोस्तों आपको रिसर्च करनी चाहिए इस कंपनी के बारे में कि कंपनी एक्चुअली फ्यूचर की विजिबिलिटी कैसी लग रही है, आउटलुक कैसे हैं, प्रॉस्पेक्ट कैसे हैं, उसके बाद आप ज़रूर इसमें डिसीजन ले सकते हैं। मुझे दोस्तों कंपनी बहुत ही बेहतरीन लग रही है, जिसका बिजनेस है वो काफ़ी मुझे ग्रोइंग बिजनेस लग रहा है, जिस प्रकार से ये कंपनी डील्स पे डील्स विन किए जा रही है, अच्छे खासे फुटप्रिंट्स ये जो है कंपनी के नज़र आ रहे हैं, और जो जिस तरह का शिफ्ट हो रहा है बैंकिंग और डिजिटल वर्ल्ड में दोस्तों, मतलब दीज टाइप ऑफ कंपनीज वुड डेफिनेटली मेक द डिफरेंस इन द फ्यूचर। चलिए अब फ्रेश लेवल क्या हो सकते हैं दोस्तों, हाल ही में देखिए काफ़ी अच्छा रनअप दिया है इस कंपनी ने, तो काफ़ी एक भाग चुकी है, तो इसमें थोड़ा मैं वेट करूंगा दोस्तों नीचे आने का। तो ये नीचे कितना नीचे आ सकती है देखिए, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, आप ज़रूर इसमें अगर बुलिश हैं, अगर आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग आप इसमें अच्छा खासा रिसर्च करने के बाद आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं, तो आप ज़रूर इसको CMP भी बाय कर सकते हैं। मैं इसको CMP भी बाय नहीं करूँगा क्योंकि रिसेंटली इसने काफ़ी अच्छा रनअप दे दिया है, तो अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का मैं वेट करूँगा। रिट्रेस होगा, मार्केट करेक्ट होगा, तो करीब करीब मुझे लगता है दोस्तों ये 550 के आसपास ये कंपनी आपको मिल जाएगी फ्यूचर में। अगर नहीं मिली तो दोस्तों कोई बात नहीं, जब भी थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा इसमें आप स्टैगर्ड वे में एंट्री कर सकते हैं, एक बार आपकी रिसर्च के अनुसार भी। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों 550 पे आएगी तो मैं इसमें ज़रूर एंट्री करूँगा, जहाँ पर मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसका ठीक लग रहा है। अभी यहाँ पर थोड़ा अनफेवरेबल है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, तो
यहाँ पर फ्रेश बाइंग लेवल है 554 के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है अपनी रिसर्च के बाद तो आप जरूर इसको सीएमपी पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन सीएमपी में दोस्तों मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का बिगड़ जाएगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा हमको कॉशियस रहने की जरूरत है। बाकी दोस्तों ये पूरा एनालिसिस आपके लिए मैंने रखा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे आपके कोई क्वेश्चन एंड डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।